सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे ये जो सामने दिख रही है इसका दांत है जो वो थोड़ा घिस चुका है, मतलब चेन स्प्रोकेट। सो इसको अब चेंज कराने वाले जाकर, पूरा किट है। अनफॉर्चुनेटली आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट करना पड़ रहा है क्योंकि घर से यहाँ तक आने में जितना भी मेरा फुटेज था कि वो सब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो सॉरी। और आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं और अभी मैं हूँ सुभाष सर के पास, तो चलते चलते बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो कैसे हैं आप सब पहले ये बताइए कमेंट करके। बहुत दिनों के बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, मुलाकात तो होगी जल्दी। और अभी ये है सुभाष चौक सामने दिख रहा होगा। आज तो ज़्यादा ही ट्रैफिक है, नहीं पता क्यों। वैसे तो रोड हमेशा फ्री रहता है, आज बहुत बिजी है। आगे चलते हैं उसका बताते हैं वीडियो के बारे में। तो ये जो हमारी गाड़ी है, हमारी बिल्लो, इसे प्यार से बिल्लो कहते हैं, तो इसके जो दांत है वो थोड़े घिस चुके हैं, तो उसको अभी जाकर चेंज करवाना है। डेंटिस्ट के पास लेकर जा रहे हैं। आई मीन जो स्प्रोकेट है वो थोड़ा खराब हो चुका है, जिसकी वजह से गाड़ी का पिकअप भी कम हो गया। और दिस इज यामाहा FZ BS4 मॉडल। ये अभी तक 18,000 किलोमीटर कंप्लीट कर चुकी है, इसके वजह से इसका स्प्रोकेट में थोड़ा सा इफेक्ट, मतलब डिपेंड करता है हाउ वी राइड। और जिस तरह से मैं राइड करता हूँ, या फिर इसका चेंज स्प्रोकर तो जाना ही था, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा संडे संडे राइड होता रहता है, लंबा लंबा राइड होता है, और हाईवे भी है प्लस ऑफ रोडिंग दोनों होता है। तो इसके वजह से थोड़ा सा मेरा स्प्रोकर डाउन हो गया, गाड़ी का पिकअप भी कम हो गया, तो वो फील नहीं आ रहा है। तो अभी जा रहे हैं शॉप, एक मैकेनिक है हमारे यहाँ रामगढ़ के ही, बहुत फेमस, सबका गाड़ी का काम वही करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। तो अभी जा रहे हैं अनुज झा के पास अपना गाड़ी का स्टेनलेस स्टील चेंज करवाने। बेसिकली आई एम इन रामगढ़ ना, जिन लोगों को नहीं पता मैं कहाँ से बता दूँ, आई एम फ्रॉम रामगढ़। ये आ गए हम अनुज झा के दुकान, हल्का रास्ता दीजिए। किसान बाइक सर्विस सेंटर, बाप रे। तभी उसका सब पार्ट खुल रहा है, पीछे चक्का भी खुलेगा, पूरा पीछे का सारा सिस्टम निकलेगा, उसके बाद चेंज होगा। पूरा नंगा हो गया गाड़ी, इसका बैटरी अभी भी सही है। पारा पारे से हो रहा है सबका काम। ये देखिए मोटा सा एक ये चेंज पॉकेट हो रहा है, तो वो जो बना रहा था ज्यादा प्रेशर नहीं था। वन मोर डिफॉल्ट, कौन सा रबड़? ड्राम रबड़। चल ड्राम रखा है, चेंज करना। देखो अगर इसको भी अगर हम लगा भी देते हैं तो साइड पले होगा, अगर ये नहीं ख़राब हो जाएगा तो ये तुम्हारा तोड़ सकता है यार।
अरिशाला लगा कितना पड़ता है इसका? 150 वहाँ जाना चाहिए। न्यू चेन लगा अभी और वहाँ लग रहा है पीछे रियर स्प्रोकेट और भी काम जारी है। चलो बाबा हाँ बाप रे बाप हाँ यार गाड़ी को पीछे से पूरा खोलना पड़ा उसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले और साइड फेयरिंग भी इधर है। स्प्रोकेट डन, ब्रेक पैड डन और लास्ट क्लच बहुत ज़्यादा टाइट है। अंदर अंदर नहीं, वो लोग तो उधर, वो लोग तो सर्विस वाला इधर से किया था। हाँ इधर से ही किया हुआ। अंदर से मतलब मेन रहता है, यहाँ खत्म हो जाएगा ना अंदर से। तीन काम है टोटल, पहला चेन स्प्रोकेट था, दूसरा था ब्रेक पैड और तीसरा क्लच का। सो वी हैव अ मेजर इशू और वो ये है कि इसका जो क्लच है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा। तो ग्रीसिंग करने पर भी कुछ हो नहीं रहा, तो इसका पूरा का पूरा सिस्टम क्लच केबल वायर और ये लीवर चेंज करना पड़ेगा। एंड राइट नाउ वी आर इन यामाहा सर्विस सेंटर। सो एक क्लच लीवर और एक केबल, क्लच केबल। सो क्लच केबल के लिए चाहिए नंबर, इस नंबर के बिना नहीं मिलने वाला क्लच केबल, क्योंकि हर गाड़ी का अलग अलग रहता है। कंडीशन वह बोलते कंडीशन पूरा ख़राब है। सो फाइनली इसका काम कंप्लीट हो चुका है। सो बताते क्या क्या हुआ इसमें। पहला जो था ये केबल, क्लच केबल वायर और ये लीवर, दोनों का मिला के 350 रुपीज़ पड़ा, 350। और उसके बाद आते हैं ब्रेक पर। तो इसका ब्रेक पैड का, ब्रेक पैड चेंज कराया तो उसका पड़ा 350, सेम 350 700 उधर दोनों मिला के। और आते हैं सबसे मेन इसके चेन स्प्रोकेट पर। तो देख सकते हो पूरा न्यू है अभी, पूरा चेन स्प्रोकेट कीटी पूरा न्यू लगा हुआ है। तो उसके लिए पहले पूरा पीछे का सिस्टम निकालना पड़ा, उसके बाद चेंज किए। तो चेन स्प्रोकेट का पड़ा 1700। सो टोटल पार्ट्स मिला करके 2400 में कंप्लीट हो चुका। अब आते हैं लेबर चार्ज, तो वो तो आपके अपने शॉप के हिसाब से, हमारे यहाँ 300 लगा और आप लोग का जैसा लगे। सो फाइनली वर्क इज़ डन। और एक और प्रॉब्लम मेरे को लग रहा है कि इसका जो क्लच प्लेट है वो शायद थोड़ा जल चुका है, क्योंकि जब चला रहे हैं तो पिकअप थोड़ा सा कम बन रहा है। सो अपना काम तो सस्ते में निपट गया, बस थोड़ा सा पार्ट लगा, बाकी सब सही। ए